इलाहाबाद से हैं सौरभ जी, स्वागत है आपका नमस्कार हकीम साहब। जी। आदाब सौरभ साहब। मेरी एक प्रॉब्लम ये है, करीब 5-6 महीने से कि मुझको लैटरिन बहुत लगती रहती है, और जो है हमारे अंग्रेजी दवा खा रहा हूँ करीब 5-6 महीने से, और जब तक दवा खाता रहता हूँ तब तक जो है तो कुछ आराम रहता है, लेकिन दवा छोड़ने के बाद फिर से जो है लैटरिन बहुत बार लगने लग जाती है। पेट में बोल्टिंग होती है, मतलब घबराहट होती रहती है, और कई बार लैटरिन कपड़ों में छूट जाती है। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र है 52 साल। ठीक है। देखिए, आसान सा इलाज है, डॉक्टर की दवा भी लें लेकिन उसके साथ में आप ये ले लें जो मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ होती है बादाम का गोंद, आपके पंसारी के यहाँ भी मिलता है, दवा फरोश जो होते हैं जो कच्ची दवाएं बेचते हैं ना, उनके पास आयुर्वेद की यूनानी की दवाओं के उसमें मिलता है। और बादाम का गोंद बोलना, और 100 ग्राम ले लिया तो बस काफ़ी है आपके लिए, सस्ता भी बहुत आता है। तो ये फिर पाउडर बना लेना, इसका ग्राइंडर में डालेंगे तो पाउडर बन जाता है। तो आधा आधा चम्मच यानी 2 ग्राम के करीब ये पानी में मिला दें इसका पाउडर, और आधा घंटे बाद इसे पी लें। अगर आपको शुगर वगैरह नहीं तो शक्कर भी मिला सकते हैं इसमें जायकेदार करने के लिए। ये आप एक बार दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। राजस्थान से हैं लीला जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हाँ, बात कर रहे हैं ना हकीम साहब से? यहाँ जी, बात हो रही है, बताइए क्या सवाल है, क्यों नाराज हैं? जी सर, हकीम साहब बोल रहे हो? जी, बताइए। जी सर, मैं 3 साल से कोशिश कर रही हूँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। बताइए बताइए क्या हुआ। सर मैम समय मैं बहुत 3 साल कम से है। कोशिश कर रही हूँ सर, मेरा बहुत गैस मिल रहा है, मेरे बहुत गैस मिलता है मेरे, तो क्या है मेरे पीठ में दर्द होने लग जाता है, मेरे सांस में परेशानी हो जाती है, ऐसा मेरा बहुत ज्यादा गैस मिलता है। और एक सवाल और है सर, क्या है कि मेरे जो डाइना डाइना कंधा है ना, ये कंधा, इसमें मेरे क्या है कि दर्द होता है गर्दन में लगा के, और ये पूरे हाथ में दाहिने में। जी ठीक है। अच्छा देखिए, गैस के लिए आप ले सकते हैं, धनिया का पाउडर बना लें, धनिया 200 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, इसका पाउडर बना लें, और इसमें इसमें क्या करना है कि इसका पाउडर बना के अलग रखें, और एक आता है नमक जैतून, ये असली लेना, बहुत नकली मिलता है ये देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, इसे जी। नमक जैतून कहते हैं। एक चुटकी में जितना आए नमक जैतून और ये लें, और 1 चम्मच में जितना वो पाउडर जो मैंने बनवाया धनिया और मेथी का वो लें, और उसे मिला के रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने से 1 घंटा पहले खा लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। बद्री प्रसाद जी हैं एमपी से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हेलो हाँ जी, सर, सवाल कर लीजिए। मेरा मेरी वो पैर है, लेफ्ट पैर में सुन्नता रहती है नीचे, सूजन रहती है? नहीं सुन्नता सुन माने सुन शून्य जैसा हो जाता है। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 76 वर्ष की। ठीक है जी। अच्छा देखिए, बहुत मेहनती आदमी लगते हैं आप, कभी कभी काफ़ी मेहनत की होगी, अब मत करिए कुछ दिन मेहनत, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना। अब वो देसी टॉयलेट पर मत आप ज़रूरत के लिए जाया करें, ये बहुत ज़रूरी है, और वही एक देखिए अलसी 200-300 ग्राम अलसी खरीद कर
इसका पाउडर बना के रखिए, हल्का सा भून लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून के पाउडर बना के रखिए। और एक आता है गौंसिया, जो बहुत चर्चित है और नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये भी 100 ग्राम खरीद लीजिए, आधा ग्राम ये गौंसिया का पाउडर अलग बनाइए, और एक चम्मच अलसी लीजिए, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, इसे मिलाकर रोज़ाना एक बार या दो बार खाना खाने के बाद पानी से इस्तेमाल किया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वजन बिल्कुल ना उठाएं जब तक आपका इलाज चलता रहे। अगले कॉलर हैं यूपी से, योगी जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर बताइए। अरे योगी जी, श्री ओम जी बोल रहे हैं। श्री ओम जी। श्री ओम जी बताइए। मैडम जी, हकीम जी से बात करनी, मेरे को पेट में दिक्कत रहती है जी। ओम जी मैं सुन रहा हूँ, मैं तो खुश हो गया जी। मैं तो खुश हो गया, योगी जी का फोन आ गया इनकी गलती से। नहीं हकीम जी, मेरे पेट में दिक्कत रहती है, मेरे पेट में कब्ज रहता है और मेरा पेट साफ नहीं होता। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा देखो, आप लिख लो नुस्खा, ये मत सोचना आपको याद रह जाएगा, बाद में आदमी भूल जाता है, फिर कुछ गड़बड़ कर देता है। देखिए है तो बहुत आसान, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और धनिया, ये सब, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और आंवला, ये सब 100-100 ग्राम लीजिए। फिर बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और आंवला, और बहुत ही अच्छा करना हो तो 100 ग्राम इसमें मेथी भी मिला दें, इनका खूब बारीक पाउडर बनाएं, अपने हाथ से बनाएं या अपने सामने बनवाएं। और एक आता है नमक जैतून, ये एक ऐसा नमक है संसार में जो नमकीन नहीं होता, ये 100 ग्राम खरीद लें, ये अलग रखें। और ये जो सौंफ सौंठ का आपने पाउडर बनाया है, सौंफ सौंठ जीरा अजवाइन धनिया आंवला मेथी का, ये एक चम्मच भर के लें, छोटा चाय का चम्मच, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, और एक चुटकी में जितना ये आता है नमक जैतून, वो इसमें मिलाकर रोज़ाना नाश्ते से आधा घंटा पहले पानी से खा लिया करें और रात को खाने से पहले। ये नुस्खा अजीब है, मैं तो कहता हूँ हर घर में होना चाहिए, किसी को एसिडिटी हो उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा कहलाता है, किसी को बवासीर हो उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा कहलाता है, किसी को कब्ज़ हो उसके लिए, एसिडिटी, इन्फेक्शन, या किसी के यूरिनली इन्फेक्शन, महिलाओं में पुरुषों में ये होता है बहुत ज़्यादा, किसी के लीवर में इन्फेक्शन या लीवर बढ़ जाता है उसके लिए, किसी को खून नहीं बनता हो, किसी को भूख नहीं लगती हो, या किसी को स्किन का रोग हो, कुछ दाने निकलते हो, एलर्जी होती हो, मुहासे निकलते हो, ये मेरे अनुभव के हिसाब से दुनिया का बेहतरीन नुस्खा हो सकता है। ये कॉलर है संगीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैम, आपका प्रश्न? मैम आप ना नेटवर्क में आके बात कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। नेटवर्क का लग गया सॉरी। बोलिए, दोबारा बोलिए। हाँ जी दोबारा बोल रहे, मैं क्या, मेरे ना गले की प्रॉब्लम चल रही है डॉक्टर साहब। हाँ जी, क्या मेरी प्रॉब्लम ये है जी, एक साइड आ गले की, खब्बी साइड, नाले तो रेडिश नहीं जाती, जे कोई गर्म चीज खा ला मैं वो भी लगती है, जिवें कि हुण मैं चीकू खा लिया, चीकू भी लगता, मिर्च हो गई, अदरक हो गया, इस तरह सारी चीज डॉक्टर साहब लगती है उसे भी। 2 साल हो गए मैं दवाइया बहुत खा चुकी हूं, कोई फर्क नहीं पै रहा, ओदे नाल फिर जीव च भी दर्द होने लग जाता, एक साइड ही है, खब्बी साइड, गले में ना? हां जी गले में जी। जी हाँ, देखिए मेथी तो आप जानते हैं, मेथी का दाना, इसको खूब बारीक पाउडर बना लीजिए, और
एक गिलास गर्म पानी, खूब गर्म पानी मैं आधा चम्मच इसमें डालिए, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आता है, एक चुटकी में इसको बोलता हूँ, वो मिला लीजिए इसमें। और कोशिश करिए कि चाय की तरह गरम गरम ये पानी आप रोज़ाना एक बार पिए, आपकी सारी समस्याओं का निदान मुमकिन है। स्कॉलर है चंदौली से, स्वागत है आपका। हाँ, क्या नाम है? चंदा सिंह जी, आपका प्रश्न? देखिए मैम, सलमान भाई साहब से प्रणाम कहिएगा। आदाब, जय हिंद। अच्छा, हमारे शरीर में सूजन पूरा रहेला आ दर्द ठेवना में दोनों दर्द रहेला, आई 7 साल से है। हाँ, ठेवना में दोनों दर्द, सूजन, बैठ ना पाईला। आई डॉक्टर के देखोनी तो अर्थराइट बतौला, तो अर्थराइट ठीक है। आ वो दवा चलेला एरोबेला, एरोबेला चलेला, वो देखने की भी आपत हम कहीं कहीं हम देखी उनका भाई नुस्खा का है। ठीक है, देसी नुस्खा जानना है। अच्छा, देखिए 3-4 महीने इलाज करना आप अपना, कोई भी इलाज करते रहे, लेकिन ये जब शुरू करें तो छोड़ना नहीं। अलसी को भून लीजिए, अलसी तो सभी महिलाएं जानती हैं, सस्ती भी आती है, 300-400 ग्राम अलसी खरीद लीजिए और इसको हल्का सा भूने, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून कर निकाल लें बर्तन से। बर्तन में छोड़ेंगे तो वो जल जाएगी, क्योंकि बर्तन गर्म हो जाता है, बर्तन गर्म ही रहता है तो फौरन निकाल लेना। कंकर पत्थर भी होते हैं, वो भी साफ़ कर लें, इसको पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खरीदें, वो खाएं नाश्ते के बाद, 1 चम्मच में अलसी इसका पाउडर बना लें और एक आता है गोंद सियाह, इसे काला गोंद कहते हैं, लेकिन ये अलसी की तरह असली नहीं मिलता, ये नकली भी बहुत मिलता है। 0.5 ग्राम अगर मिल जाए तो 0.5 ग्राम गोंद सियाह और 1 चम्मच अलसी में मिलाकर रोज़ाना 2 बार खाएं नाश्ते के बाद। और ये अगर गोंद सियाह असली मिल गया, बहुत नकली मिलता है, फिर आपसे बोलता हूँ सब लोग बेईमानी करने लगते हैं, तो ये 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम आप लाइए और 15 या 16 रुपए का मिलता है बस। 0.5 ग्राम सुबह खाइए, 0.5 ग्राम शाम अलसी के पाउडर के साथ खाने के बाद। अगर असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।